बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन को लेके आज आपको एक अच्छी खबर देनी है। जिस तरह आज से 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप पाकिस्तान में बैठ के अपने पेजेस को मोनेटाइज कर सकते हैं, अपना बैंक डिटेल पाकिस्तान का डाल सकते हैं, यहाँ से ही अपने अपलोडिंग वगैरह करनी है, वो एक खास ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसको आप अपना के आज भी वो वर्क कर रहे हैं और उसके ज़रिए आप अपने पेजेस को मोनेटाइज कर सकते हैं। और उसी वीडियो में मैंने एक बैड न्यूज़ भी दिया था कि हमारे जितने भी पेजेस दूसरे तरीके से मोनेटाइज थे कि हम बाहर से एडमिन लगाते थे, जुगाड़ लगा के बाहर से बैंक डिटेल लगाते थे और बाहर से अपलोडिंग, तो उस तरीके से बहुत सारे आप यूँ कहें कि 80% पाकिस्तानी पेजेस उसी तरीके से मोनेटाइज हैं। तो वो तरीका अर्जी तौर पर गैर फाल हो गया था और जितने पेजेस थे वो डीमोनेटाइज हो गए थे और उसी पर यही एरर आ रहा था कि आप कंट्री एलिजिबल नहीं। हालांकि हमारा पाकिस्तान से कोई एडमिन नहीं था, सारे बाहर से एडमिन थे एलिजिबल कंट्री से, फिर भी उस तरीके ने काम करना छोड़ दिया था और पेजेस सारे डीमोनेटाइज हो गए थे। मैंने उसी वीडियो में बताया भी था कि अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें ताकि हमें पता चले कि वाकई ये एक मसला खास बन चुका है जो सब में फैल गया है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया था कि वाकई हमारा भी यही मसला है। तो मेरे खुद 10-12 पेजेस उसी सिलसिले में डीमोनेटाइज हो गए थे। हालांकि मैंने सब कुछ चेक कर लिया, कोई भी मसला दूसरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वही मसला और वो भी एक एरर की बुनियाद पर डीमोनेटाइज हो गए थे। तो आज से कोई 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले वो वापस बहाल हो गए। जिस पेज पे भी वही एरर आया हुआ था वो सारा एरर ख़त्म होके ना वापस पेज मोनेटाइज हो गया है, अर्निंग भी शुरू हो चुका है। ये उन पेजेस की मैं बात करूँ, एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूँ, जिस पे मतलब बाहर से हमने एडमिन दिए हैं, बाहर से बैंक अकाउंट दिए हैं, बाहर से अपलोडिंग दी है, तो वो डीमोनेटाइज हो गए थे दरमियान में, वापस सब बहाल हो गए हैं। वो शायद फेसबुक की तरफ से एक एरर था और अब सारे पेजेस बहाल हो गए। मैं इस पर इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी समझता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच समझ के ना वापस पीछे हट गए कि यार ये जो तरीका काम करने वाला था ये भी ख़त्म हो गया, अब हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, अब तो ये नहीं होगा क्योंकि राइट मैनेजर तो हर किसी के पास होता नहीं है। तो भाई ये उन लोग सब लोगों के लिए मैसेज है कि भाई जिन लोगों को ये खबर पहुंची है कि यार अब हम पेज मोनेटाइज नहीं कर सकते ये जुगाड़ लगा के, तो अब भाई अब वापस उस जुगाड़ ने काम करना शुरू कर दिया है। आप बाहर से किसी दोस्त को या किसी भी जिस तरह हम सर्विसेज देते हैं आप अपने पेजेस उनको दे के वापस मोनेटाइज कर दिए, अगर आपका अपना दोस्त है तो उसको ऐड कर दे अपलोडिंग वहाँ से करें और उसका बैंक डिटेल वगैरह ऐड करें, अपने पेजेस वापस मोनेटाइज करें, ठीक है। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें क्योंकि एक अच्छी खबर है, क्योंकि लोगों की एक उम्मीदें थी इनसे कि हमारे पेजेस इस तरीके से मोनेटाइज होंगे, लेकिन वो जो हमने खबर दी थी उस वक्त वाकई में बहुत सारे लोग इसकी गवाही देंगे, सारे पेजेस डीमोनेटाइज हो गए थे, अब वो वापस पेजेस वापस बहाल हो गए हैं, मोनेटाइज हो गए हैं, वो एरर ख़त्म हो गया है, तो वापस आप अपने पेजेस को मोनेटाइज कर सकते हैं और कमा सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपने बहुत सारे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।